आ गया त्यौहार दिवाली का, चारों ओर रोशनी ही रोशनी, दियों की जगमगाहट, मिठाइयों की भरमार और आसपास लगातार छोड़े जा रहे पटाखों का शोर। लेकिन जहां उत्सव है, मस्ती है, वहीं खतरा भी है। बम पटाखों से खतरा, रॉकेट और अनार से जल जाने का खतरा। हर साल दिवाली के अगले दिन लोगों के जल जाने, घरों दुकानों में आग लगने की खबरें अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। झुलस जाने पर इलाज के घरेलू नुस्खों से इंटरनेट पटा पड़ा है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसी ज्यादातर जानकारियां मिथ हैं, माने झूठी हैं। इसलिए हमने बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिल्पी बधानी से बात की और सारी सही जानकारियां इकट्ठा की। हमने पहला सवाल यही पूछा कि हाथ या शरीर का कोई हिस्सा जलने पर सबसे पहले क्या किया जाए। देखिए, बर्न वुंड में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करते हैं, और उसी से ही बर्न की जो डेप्थ है वो लिमिटेड हो जाती है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम करना है वो ये है कि जो भी बर्न एरिया है उस पर हमें पानी डालना है। अब ये पानी का टेम्परेचर कैसा हो ये भी इम्पोर्टेंट है। आइस कोल्ड वाटर हमें नहीं डालना है, बेस्ट है रनिंग टैप वाटर, रनिंग टैप वाटर विच इज नॉर्मल। तो अगर हम नॉर्मल रनिंग टैप वाटर के नीचे पानी डालते हैं, जो हाथ है या जो भी पार्ट जल गया है उसको हम लगाते हैं, तो उसमें कम से कम 5 मिनट तक आप वो पानी को चलने दें। उससे क्या होगा कि जो एरिया जो बर्न है उसका टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा, और उसमें जो स्प्रेड है बर्न का, बर्न वुंड ने जो हानि पहुंचाई है वो लिमिटेड हो जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही है, वेदर इट इज दिवाली और एनी अदर यू नो टाइम यू आर फेसिंग अ बर्न, हमेशा ये काम करना है। इससे इनिशियल जो लिमिटेशन होती है बर्न वुंड की वो बहुत ही इंपॉर्टेंटली लाइक यू नो इट रिड्यूसेस अ लॉट। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज वॉश द हैंड और द पार्ट व्हिच इज बर्न्ड अंडर रनिंग टैप वाटर। क्या बर्फ लगाने से जलन में राहत मिलती है? आइस पैक में लगाने से जलन में राहत इनिशियली तो मिलेगी, लेकिन वो काउंटर प्रोडक्टिव है, मतलब वो हानि ज्यादा करेगा। इसलिए आपको बर्फ का इस्तेमाल नहीं करना है बर्न वुंड में कभी भी। और जैसे मैंने बताया कि बेस्ट है रनिंग टैप वाटर, या फिर अगर कोई कोई यूटेंसिल में अगर आपने पानी नॉर्मल वाटर भरा हुआ है उसके अंदर भी आप उस पार्ट को सबमर्ज कर सकते हैं। मेनली हाथ की बात अगर हम कर रहे हैं तो हाथ को आप उसके अंदर सबमर्ज कर सकते हैं, उससे भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन बर्फ से इनिशियली आपको नहीं रगड़ना है, ना बर्फ रगड़ना है, ना बर्फ के पानी में हाथ भिगोना है या कुछ करना है। सो इट इज काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि उससे बर्न वुंड का जो एरिया है वो बढ़ सकता है। लोग घरेलू नुस्खे भी सुझाते हैं, जैसे आलू या गाजर को कद्दूकस करके लगाना, टूथपेस्ट या तुलसी की पत्ती लगाना, क्या ये अपनाना चाहिए? ना कोलगेट इस्तेमाल करना है, ना गाजर, ना आलू के छिलके। इनफैक्ट आलू के छिलके में तो आलू हैज अ ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, तो वो और नुकसान करेगा, तो इसलिए हमें ये सब कुछ भी नहीं करना है। बहुत बार लोग रतनजोत लगा के आते हैं हमारे पास, विच इज कुछ एक आयुर्वेदिक या इट इज सम होम्योपैथिक काइंड ऑफ मेडिकेशन, और वो लगा के आते हैं, और ये सारा कुछ जो है वो बर्न एरिया को और भी वर्सन करता है, और भी हानि पहुंचाता है। तो आपको जो सिंपली जो काम करना है वो ये कि जो बर्न एरिया है उसको आप धोएं अच्छे से प्रॉपरली, 5 मिनट घड़ी देख के 5 मिनट का टाइम आप दें। एक बार जब वो हो जाए उसके बाद उसको एक क्लीन क्लॉथ, जो भी आपके पास कॉटन का कपड़ा पड़ा हो घर में, चाहे वो रुमाल हो, चाहे धोती का टुकड़ा हो, या बहुत बार मसलिन क्लॉथ पड़ा हो, तो जो भी जो वॉश्ड कॉटन क्लॉथ, पतला सा कॉटन क्लॉथ है, उससे आप वो एरिया को रैप कर लें। कॉटन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, कॉटन चिपक जाता है, तो आप क्लीन हैंकरचिफ भी रैप कर सकते हैं, एंड जस्ट गो एंड विजिट योर प्लास्टिक सर्जन, हुएवर विच एवर प्लास्टिक सर्जन इज नियर बाय, या फिर आप कोई हॉस्पिटल चले जाइए यूजुअली, एंड प्लास्टिक सर्जन आर द पीपल हु आर द एक्सपर्ट्स हु अटेंड बर्न फ्रॉम अक्यूट बर्न टू फुल रिकंस्ट्रक्शन। तो आपको यू हैव टू फाइंड आउट अ प्लास्टिक सर्जन नियर इन द नियर बाय एरिया एंड गो एंड मीट हिम और हर। एंड जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो बर्न के जो पेन में कंट्रोल में हेल्प करेगा वो ये है कि जैसे मान लीजिए आपका हाथ बर्न हुआ, तो आप उसको इमीडिएटली अपने हार्ट के लेवल से ऊपर ले जाएं। अगर आप ऊपर ऐसे कर देंगे तो क्या होता है, उसमें ब्लड फ्लो थोड़ा कम हो जाता है, तो जो इंटेंस बर्निंग सेंसेशन है वो इमीडिएटली आपको 2-3 मिनट में ही राहत मिल जाएगी उससे। तो आपने एक बार उसको धो दिया और उसके बाद आप उसको क्लीन क्लॉथ से रैप करके और हाथ ऐसे ऊपर करके आप आराम से पास के मेडिकल सेंटर में जा सकते हैं। मलहम या ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए? ये ट्यूब्स आप यूज कर सकते हैं, अगर छोटे मोटे बर्न्स हो तो डेफिनेटली यू कैन यू नो मेनी पीपल यूज एलोवेरा जेल, कुछ लोग बर्नॉल लगाते हैं, सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट है जो लगाते हैं लोग, सो दीज आर ओके टू पुट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं, और हैंड एक ऐसा एरिया है जो
इनिशियली आपको लगेगा कि ठीक है छोटा बर्न है, बाद में उसमें आपको वो जो काले धब्बे पड़ जाते हैं वो परेशान करते हैं लोगों को कि ये कैसे ठीक हो। सो बेस्ट है कि अगर छोटा भी बर्न हो तो आप एक एक्सपर्ट की सलाह शुरू में ही अगर ले लें तो आपका आगे का जो जर्नी है आगे की वो थोड़ी आसान हो जाती है। नाउडेज पीपल आर सो कॉस्मेटिकली कॉन्शियस कि थोड़ा भी बर्न हो जाए उसमें अगर वो काला निशान आ रहा है तो फिर बाद में वो जो ट्रीटमेंट करें इससे बेटर है कि पहले ही अगर आप एक्सपर्ट से सलाह ले लेते हैं तो कैसे मैनेज करना है वो आपको रास्ता थोड़ा साफ हो जाता है। तो यू कैन यूज दीज ऑइंटमेंट्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जो घरेलू नुस्खे हैं बर्फ और ये सब, आप कोलगेट स्पेशली, बहुत लोग कोलगेट लगा के आते हैं, ये नहीं करना चाहिए एंड इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है, फायदा कुछ नहीं होता। उम्मीद है डॉक्टर की बात सुनकर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। आपके लिए पूरी जानकारी इकट्ठा की थी हमारी साथी सोनल ने। मैंने हारिका यादव, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, सुरक्षित और सावधान रहिए और हमारी ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।